इतनी पुर कैशा में मुलाकात है अजनबी मोड़ पर आए हैं और ऐ चांद तारे हुस्न की खैरात मांग लो वीर आगना के गोद में सरकार आए हैं। ऐ चांद तारे हुस्न की खैरात मांग लो वीर आगना के गोद में सरकार आए हैं। आपना के गोद में सरकार आए हैं। जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं अगर वो आकर बैठ जाते तो मुझे ज्यादा खुशी होती और ये खुशी इज्तिमाई शक्ल में इस जलसे के कामयाबी के लिए नुस्खा हो जाए। मुबारक के मुस्तहिक है हमारे मोहम्मद जाहिर इब्न मुनसिफ राइन साहब के इन्होंने अपने इस प्रोग्राम में हुजूर हमें शरीयत को मधु किया, काजी मोहतरी को मधु किया, इतने उलमा शोरा को मधु किया। मैं तो बस यूं कहूंगा कि सोच भी इश्क पर मुस्तमिल चाहिए, सोच भी इश्क पर मुस्तमिल चाहिए, फैजे गौसो रजा मुस्तकिल चाहिए। अरे सिर्फ पैसों ही से नहीं होता है मुनाकिद, ऐसा जलसा सजाने को दिल चाहिए। सिर्फ पैसों ही से नहीं होता है मुनाकिद, ऐसा जलसा सजाने को दिल चाहिए। माशाल्लाह आपका जलसा कामयाब हो गया है, जलसा आपका कामयाब है कि नहीं। मैं तमामी बाशिंदगाने बनी गामा से गुजारिश अपील करूंगा कि आप लोगों के कानों तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो जितना जल्द हो सके आप हजरत पिंडाल में आकर जगह ले लें, आप लोग भी कशाकशा आगे आ जाए। अच्छा बताइए हमारे जाहिद साहब किधर है? इसमें जाहिद साहब है कि नहीं? हाँ इधर आइए। उनके वालिद जनाब मुनसिफ साहब, दोनों आदमी आइए। पहले आप दोनों हुजूर फखरे नेपाल के हाथ पे हाथ रख के मुरीद होंगे, उसके बाद आपके गांव आएंगे। पहले आप दोनों बाप बेटे आगे आ जाइए, आगे आकर आप लोग बैठे और जो लोग भी हुजूर फखरे नेपाल दामन बरकातुल कुर्सिया के हाथ पे हाथ रख के मुरीद होना चाहते हैं उनसे भी गुजारिश अपील है कि आप भी तैयार होकर आगे आ जाए। आप आगे बैठिए, यहाँ बैठिए। अब मैं चलिए सारे शोरा से सुन लिया तो दो शेर आप अपने खतीब व इमाम हजरत मौलाना मोहम्मद रजा साहब नूरी फखरी से समाप्त कर लें।